दो बेटी हमारे साथ एक बेटी अगर ठीक लगती है क्रॉप को एक बेटी निकलेगी। देखो जी मेरे हिसाब से जितने टहने इसमें बना दिए ना चार पेटी कम से कम ये ना जिस वक्त 12 से 15 पेटी का पेड़ अभी मैं बताता हूँ ना क्या अब मेरे को ना एक चीज समझाओ आप, ये जो टेन है ना ये वाला एक टेन है ये कल को ना बड़ा बनेगा क्या? इस टहने में एक पेटी नहीं होगी, सिर्फ 150 से 200 दाने चाहिए, लग जाएंगे ना एक टहने में? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह टहने पाले ना आपने, तो जब एक टहने में क्या हम इस टहने में एक पेटी नहीं लेंगे यार आने वाले टाइम में? तभी मैंने आपको बोला कि जो इसकी कनोपी है ना वो ऑलरेडी हमारे 12-15 पेटी की बन चुकी है, हम अभी भी क्या उम्मीद करें कि और बनाएंगे? आपको और कितना बड़ा बनाना? जब आपका 12-15 पेटी का पेड़ की कनोपी बन गई है, हाइट 20 फुट है, टहने आपने इसमें 15 पाल दिए है, 15 टहने तो आ गए ना इसमें, तो हमने ज्यादा टहने अब नहीं बढ़ाने। हम जब आप रॉयल पे काम करें तो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर की प्लानिंग है। अभी तो वैसे नहीं जी, इससे अभी भी कम से कम 2.5-3 पेटियां तो आनी चाहिए, 2-2.5 पेटियां कम से कम आनी चाहिए। इसमें एक पेटी और नहीं आएगी जी, कमियां मैंने ऊपर गिना दी कि अगर सेब लगाने जी जी वो सेब मैंने नहीं लगाने ना, मेरे आने से लगेगी ना मेरे काटने से लगेगी कि मैंने इसको काट दिया तो सेब लग गया आपके, ये इन चीजों से नहीं लगती। सेब के लिए पॉलिनेशन का होना जरूरी है, आप सिस्टम बनाओ, फीडिंग का होना बड़ा जरूरी है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज डालते हैं। अब जो ये पौधे की स्थिति मेरे को लग रही है इसकी ग्रोथ और मिट्टी देख के कि इस खेत में किसी चीज की कमी ही नहीं है, इस वजह से कुछ ना डालो खाद तो चाहे इसमें डालो ही नहीं, आप लोग गोबर डालो और सबसे अच्छी सबसे अच्छी बागवानी में जो आपके लिए बढ़िया चीज है जो आपने नहीं छोड़ना है वो है लहसुन बीजना। जितनी आप नीचे लहसुन बीजते रहेंगे कीड़ा एक न लगे, गोबर भी सर बहुत डलता है हमारे ना, बहुत ज्यादा अभी लहसुन में डलता है, कुत्ते के लिए बोल रहे ना सर, एक मेरे पौधे को जितना पानी पूरी का स्प्रे करना है देखो डाल सकते हैं अभी नहीं, आप जब प्रूनिंग करेंगे ना ये पत्ते ऊपर भी तो अभी ये सारी करने ना, जब सारा पत्ता नीचे आ जाएगा ना उसके बाद आपने ये सब प्रूनिंग अरे लसन दे दे जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, आप सेब की बागवानी भी जाएगी ये तो टाइम पास के लिए सर, ये तो लसन ज्यादा लसन यूरिया तो और ज्यादा बढ़िया होती है, यूरिया से ज्यादा कर लागे बीज के लिए जगह छोटे पौधे की मैंने आपको तरीका बताया वो आपको समझ आ गया आपको कैसा बनाया, मगर जो पौधे में हम गलती करते हैं जैसे ये देखते हैं ना इससे हमने बना दिए फिर बना दिए इसमें, तो इस तरीके से हम इसको चलाते हैं जिससे बाद में ये घना घना और धूप भी नहीं पहुंची। अब आप देखो जैसे खड़ा है ना इसमें धूप नहीं पहुंचेगी अंदर बाद में, तो अब क्या करना होता है आपको, आपको ना ये ध्यान रखना है कि कैसे आप देखो अब यहाँ भाई साहब ने सीख बहुत कुछ लिया है, ये स्टब रखा यहाँ बीमा बन गया, यहाँ मैं देख रहा था बीमा बन गया बीमा बन गया, तो ये तरीका जी। और जो आपके प्रॉब्लम लग रही है मेरे को जैसे देखो आपके हेड दिख रहे थे मेरे को सूखे हुए, वो आता है गलत प्रूनिंग की वजह से, एंगल दे दिए या कंपटीशन में आ गया उस वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक तरीके से चलते रखेंगे पौधे तो बहुत बढ़िया बनता है।
अब आती है इसमें सुधार की बात, हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जब कोई आप टेन प्रून करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ये मेन बन चुका है, ये भी बन चुका है, वो भी बन चुका है। अब जो आपकी फिंगर साइज मोटाई वाली टहनियां है, चाहे ये है चाहे ये है जो भी है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये है जी, इसको आप अंदर आप ला सकते हैं, मगर बड़ी को रिंग कट करना है, बड़ी इसको नहीं ला सकते। ये जी रिंग, रिंग से ठीक है जी। ये हमारी सेकंड ब्रांच है, ये वीक पे है, इसको छोड़ दो, इसको मैं नहीं चलने दो, हो गया नहीं जी खाली, कितना अलग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ये बिना आ जाएगा। अब आप प्रूनिंग करेंगे नीचे से ऊपर, अब आपका ये टहना है कैसा कैसा काट रहा हूँ, क्यों अब यहाँ देखो कि डबल हो गया। अब मैन ये था, ये वीक पड़ गया, इसने खा लिया। अब अगर मैं इसको इस पे खड़ा करता तो ये अंदर को जाता, इसीलिए इसको मैं यहाँ से उड़ा निकाल। आप जा नहीं सकते इसमें, खत्म हो जाएगा जबरदस्ती, बस बी में टूट जाएंगे, क्या फायदा। ऊपर ही करते हमेशा, अगली साल ना झुके सारा, ना झुके अभी मस्त इसको होल्ड करने का है कि बीक ब्रांचेस पे डालना, हाँ जी बिल्कुल, हमारे प्रोनर है जो बेकार 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 ये मोटा टेन लागू शुरू से लगता अंदा ने बीच पर नहीं है ये ये जो काट रहे हैं मोटे का एक होल्ड है,
सर इसको आप रहने दो, बाद में निकाल देगा हम ना, अभी आप कर ले बस ये करो। नहीं थोड़ा नीचे नीचे कर, ऊपर से टाइट अलग जाता इसमें तो कट नहीं है ना, जो तो फ्री है ना, ये ग्रोथ खत्म है। आप इधर का सुनो ना, अब जो हमने अंदर को डाला ना, क्योंकि मेरे पास ब्रांच ही नहीं थी, चाहे अंदर है चाहे जहाँ मर्जी, हमने यहाँ नहीं देखना, हमने तो यहाँ आना है। तो अगली साल आप इसको यहाँ से काट देंगे, एक साल का कोई इशू नहीं, अंदर है बाहर है डायमेड है, क्योंकि हमने तो नीचे आना था, बिल्कुल इसको क्लोज करना था ना जी। अब आप एक चीज़ देखो, जिस साइड को मैंने प्रूनिंग की है ना, हो गया ओपन, बिल्कुल तड़वा हो गया ना पौधा, ऊपर देखो कैसा झाड़ है और इस साइड को कैसा। एक टेन है ये कर देता हूँ, थोड़ा खुल जाएगा सारा। अभी तक जिसको मैंने सिखाया ना जी, वो चढ़ेगा ऊपर, बिल्कुल सही बात, जो सीख पाया वो लाएगा जरा करके, देखो जी हमारे हमारी साइड हमारे बुजुर्ग बोलते हैं बाल और टेन दुगना रुक जाते हैं, आदमी भी बता सकते हो साथ ही लग जाएगा एक मिनट आराम सारा प्रयास तो कर रहा है, पास है उतर जाओ जाओ रुक जाओ इनको बोलने दो, चलो इसको बस यहाँ से पूरा पीछे अरे उधर बिड़ो टूल्स ना चल ठीक है ये ऊपर वाला काट के जो टहना बनाना जी वो बिल्कुल सीधा नहीं, पूरा काटो मिला के दो इधर काट रहा हूं लास्ट नीचे उसके नहीं पड़ती कार चुने लगा पहले रुक जाओ चलो रुको देखो आप इसको आप टेन बनाओ ठीक है जी, रुको ये टेन बना दिया आपने,
किसको अब टहना बनाओ, बनाना तो हमने ये था ना, इसको काटना था, ये बनाना था, अब आप इसको बनाओ, इसको पीछे से उड़ा दो, ये तो बेकार है, टहने बनाओ इसके ना। अब कौन सा ठीक है, इसके काम है ये टहना, ऐसे सीधा करो उसको, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ उधर, छुड़ाओ इसको, छुड़ाओ छुड़ाओ ऊपर से छुड़ाओ, परे वाला बनेगा सर, काटो परे वाला बनेगा, पीछे से काटो, अभी इसको टहना बना दो एक ना, क्योंकि स्टेप पीछे है ना, ऊपर कैसे जाएंगे बाद में, बिल्कुल इसको उड़ा दो जी, क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, अब जो ये है ना बेटे ना, इसको बनाओ पहले, इसको बनाओ, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो पीछे से, इसका टहना बना दो, इसको बाद में काटा ना, हाँ ये उड़ा दो पहले, भी इसी नहीं काट रखे जी, जो आपने काटी ना भी छोटी टैंक, ये नहीं काट रही, क्योंकि ये 5 और 6 इंच की जो पिन है ना, ये नहीं काटनी, हाँ चलेगी, ये तो आगे जैसे ये चल रही नहीं वाली, ऐसी थी वो भी, उसके टिप पर ना इस पे ना सेब लगते है, लगते जी तो काटनी है ना, नहीं 6 इंच से नीचे, 9 इंच का तो आप स्टेप रखेंगे, 6 इंच की रखनी। अच्छा ये टेन हो गए, ये टेन हो गया आपका, इसको सीधा कर दो, अब हेड बना दो, दो तीन अपने साथ आराम से, प्यार से पड़ेगा सर, तू टेंशन है ना, यहाँ तू बड़े ऐसा हुआ ना, मैं टेंशन छड़ी छड़े ने ज्यादा, तू इन चाहिए काट अपनी काट है बाबू, ये डेमो है सर, ये ग्रोथ निकाल दो, ग्रोथ बाकी रहने दो, बाकी ये निकालो, एक इसके ऊपर का निकालो, बाकी तो खाली करो इसको सारा, देता अपने तरीके से आराम से आराम से आराम से, तो पहले बोल दे तो बीमा भी निकाल दो, परे नबी मेरा बीमा दे रहा है सब से, यहां अगली भी मैं बना यार, नबी में तो नहीं रहे, तब उठा तू ले जा ओ, बस ये कैच आ जाओ जाओ, कोई नहीं, जिन तो खेल नहीं, फल नहीं, दाओ दाओ नहीं, फल नहीं।